हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास टेंथ के दशरमन एट बनारस नाम के चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे और गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं उनके जीवन काल को डिटेल में देखेंगे और हमारे चैप्टर में जितने भी डिटेल्स दी हुई है उन सभी के बारे में आज हम लोग एज ए समरी के रूप में जानेंगे। इस चैप्टर को आपको एज ए कहानी के रूप में सुन लेना है और सुनने के बाद ये सारा कम्प्लीट चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध के पैदा होने से पहले उनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था, उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और उनके पिता का नाम सुद्धोधन था जो शाक्य वंश के क्षत्रिय शासक थे। उनका जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था और उनकी माता का नाम माया देवी था जो गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद मर गई थी, यानी उनका डेथ हो गया था। उनका पालन पोषण इनके मौसी के द्वारा हुआ जिनका नाम था गौतमी। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और जैसा कि ये पैदा होने से के दौरान ही भविष्यवाणी कर दिया गया था कि ये जब बड़े होंगे तो या तो एक बहुत बड़े राजा बनेंगे जो पूरे ओवर किंगडम पर रूल करेंगे, या तो अगर वो राजा नहीं बनते हैं और तो ये एक मॉन्क बन जाएंगे यानी एक साधु बन जाएंगे। अगर इनको संसार के कष्टों में भेज दिया गया तो संसार के कष्टों, दुखों और शिकायत को, सारी चीज़ों को देख कर ये उसके बारे में जानना चाहेंगे और ये एक साधु बन जाएंगे और संसार में घर अपने मोह माया को, अपने परिवार को और अपने राज्य को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए उनके पिताजी जो गौतम बुद्ध को बहुत अच्छे से पालन पोषण करना चाहते थे और अपने राज्य में ही रखकर उनको एक राजा बनाना चाहते थे, शक्तिशाली राजा बनाना चाहते थे, वो गौतम बुद्ध को दूर भेजने से डरते थे। इसलिए गौतम बुद्ध को अपने ही महल में उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे खेल के मैदान हो गए, पानी में नहाने की चीज़ें हो गई और खेल कूद हो गया, पढ़ाई हो गया, सारी चीज़ें अपने महल में ही करवाया, उनको बाहर नहीं जाने दिया। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते गए तो 12 वर्ष की उम्र में इनको हिंदू स्केयर्ड स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए घर से दूर भेज दिया गया और जब वो 12 साल के उम्र के दौरान वहाँ पर पढ़ने चले गए तो 4 साल बीतने के बाद जब वो 16 साल के हुए तो वो अपने महल वापस आए और जब महल वापस आए तो संसार की दुनिया में इनका मन ज़्यादा लगने के कारण इनके पिताजी जब देखे कि इनका जो ध्यान है वो दूसरे तरफ बट रहा है, यानी राजा न बनने की कला इनके अंदर आ रही है बल्कि एक मॉन्क बनने की कला इनके अंदर आ रही है, तो इनके पिताजी ने इनकी 16 साल की उम्र में ही शादी करवा दी और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और वो पत्नी इनकी एक राजकुमारी भी थी जिनसे इनका एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। और इनको विवाह होने के बाद भी घर से दूर नहीं जाने दिया जाता था, परंतु जब ये 25 वर्ष के हो जाते हैं, यानी इनकी शादी के लगभग 9 या 10 साल के बाद जब ये 25 वर्ष के हो जाते हैं तो ये घर से बाहर जाना चाहते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद इनके पिताजी तैयार हो जाते हैं इनको घर से बाहर भेजने के लिए। और ये 25 वर्ष की उम्र में जब शिकार करने जाते हैं तो शिकार करने जाने के दौरान ही इनको कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती है और जब ये शिकार करने निकलते हैं तो इनको 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है, जिसका नाम पहला एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, दूसरा एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है और तीसरा एक दाह संस्कार यानी फ्यूनरल प्रोसेशन यानी एक मृत शरीर, डेड बॉडी दिखाई देती है और चौथा एक साधु जो भिक्षा मांग रहा होता है। इन चारों चीज़ों को देखने के बाद इनके अंदर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि आदमी बीमार क्यों हो जाता है और आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है और आदमी का अंतिम संस्कार क्यों होता है और एक आदमी है वो भिक्षा क्यों मांग रहा है। इन सारे चीज़ों का जवाब न मिलने की वजह से ये जब अपने घर आते हैं तो इनको बहुत ठेस लगता है और उन सभी चीज़ों को ये जानना चाहते हैं, इसलिए अपने घर परिवार को त्यागना चाहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने घर परिवार को त्याग कर बाहर निकल जाते हैं और काफ़ी वर्षों तक जंगलों में, पहाड़ों में भटकते रहे और इनको उस चीज़ की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई जिस चीज़ को ये जानना चाहते थे। एक दिन अंततः इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ज्ञान प्राप्त करके ही रहूँगा और एनलाइटेड होने से पहले ही इनके जो गुरु थे उनका नाम था आलार कराम, जिनके माध्यम से इन्होंने शून्य की ज्ञान को प्राप्त किया। और एक दिन इन्होंने पूर्ण रूप से ठान लिया कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है मैं ध्यान साधना से नहीं उठूंगा। ठीक उन्होंने वैसा ही किया। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठ गए ध्यान में और इन्होंने यह ठान लिया कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं हटूंगा जब तक कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक उनके इस निर्णय के कारण ठीक वहाँ से 7 दिन के बाद एक अचानक एक प्रकाश जली और प्रकाश जलने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
यानी वो इनलाइटेंड हो गए, ईश्वरीय ज्ञान उनके अंदर आ गया और जितने भी प्रश्नों के उत्तर ये ढूंढना चाहते थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर इनको मिल गए। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने उस पेड़ का नाम दिया बोधि ट्री, उस पीपल के पेड़ का नाम पड़ गया बोधि ट्री। उसके बाद ये कहानी हमारे आगे बढ़ती है, उसके बाद उनका नाम भी चेंज हो गया, उनका नाम चेंज होकर महात्मा बुद्ध हो गया। अब लोग इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जानने लगे और इनके पास सीखने भी आने लगे, और ये वहाँ पे रहने के बावजूद कई लोगों को कुछ अपने उद्देश्य को भी सिखाया, अच्छी बातों को भी सिखाई। सिखाने के बाद कुछ समय के बाद ये वहाँ से चले गए, और ये वहाँ से जब चले गए तो ये गए पवित्र स्थल जिसको बनारस कहा जाता है, जो हमारे देश में है। बनारस में गए तो इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश बनारस में दिया था, और बनारस के लोगों के द्वारा उस उपदेश को आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है और उसको लोगों को सिखाया जाता है, और अच्छी अच्छी इनके उपदेशों को लोगों में बांटी जाती है और सिखाई जाती है। आगे चलते हैं, वो उपदेश इनका क्या था, उस उपदेश के बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बता देना चाहता हूँ कि इस कहानी को बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, और एक बार कहानी की जैसे ही इसको सुन लेने के बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये कहानी है कीसा गौतमी की। कीसा गौतमी नाम की एक औरत होती है, उस औरत का सिर्फ एक पुत्र होता है, और उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है अचानक किसी कारणवश, और वो औरत अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उस पुत्र के वियोग को सह नहीं पाती है, और उस पुत्र के लाश को लेकर पूरे समाज में जितने जितने लोग इससे मिलते हैं उन सभी लोगों से उस पुत्र को जीवित करने की दवाई मांगती है कि मुझे कोई दवा दे दीजिए, मुझे कोई औषधि दे दीजिए जिससे मैं अपने पुत्र को खिलाकर उसको जिंदा कर सकूं। लोग जब उसको देखते थे तो लोगों को ये लगता था कि ये औरत जो है, ये महिला, ये पागल हो चुकी है, अपने सेंस को ये खो चुकी है। काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद अचानक कीसा गौतमी की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो गौतम बुद्ध से पहले ही मिला रहा होता है। वो इंसान इनको बताता है कि मैं इस पुत्र को जीवित करने के लिए कोई औषधि तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को बता सकता हूँ जो इस पुत्र को, आपके पुत्र को ठीक कर सकता है। तो कीसा गौतमी उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि कृपया मुझे बताइए वो कहाँ मिलेंगे, मैं उनके पास जाकर अपने पुत्र को जीवित करवाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने बताया गो टू शाक्य मुनि, यानी वो आदमी कीसा गौतमी को ये डायरेक्शन दिया कि आप शाक्य मुनि के पास चले जाइए। जब वो औरत शाक्य मुनि के पास जाती है तो शाक्य मुनि के पास जाने के बाद जब वहाँ पर बैठती हैं और गौतम बुद्ध को सारी चीज़ें बताती हैं कि मेरा एक ही पुत्र था जो इकलौता था, और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद जिसके वियोग को मैं नहीं सह पा रही हूँ, दुखों से कष्टों से बिल्कुल पागल हो जा रही हूँ, और मैं ईश्वर को भी ये कोस रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा केवल एक ही पुत्र था और वो भी ईश्वर ने छीन लिया। इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद गौतम बुद्ध उनको एक उपदेश देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, और उनसे ये कहते हैं कि मैं आपके पुत्र को ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी। और जब कीसा गौतमी इस चीज़ को सुनती है कि मेरे पुत्र को ये ठीक कर देंगे, इनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद वो गौतम बुद्ध से पूछती है कि महाराज आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, कृपया मुझे आप बताएँ, मैं उसको ला के आपको दूँ और मेरे पुत्र को जल्दी से जल्दी आप ठीक कर पाएँ। तो गौतम बुद्ध कीसा गौतमी से बताते हैं कि मुझे एक मुट्ठी यानी मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने चाहिए, और सरसों के दाने को लाने के बाद मैं इस आपके पुत्र को यानी इस लाश को जीवित कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। जैसे ही कीसा गौतमी ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और वो निकल जाती है सरसों के दाने को लाने के लिए। लेकिन गौतम बुद्ध तभी उनसे एक सवाल कहते हैं कि सरसों के दानों को आपको उस घर से लेके आना है जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, ना तो उस घर में किसी के बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी के दोस्त या रिश्तेदार की मृत्यु ना हुई हो, इस प्रकार के घर से आपको सरसों के दाने को लेके आना है। इस बात को जब कीसा गौतमी सुनती है तो थोड़ा सा डिस्परेट होती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रयास को अपने जारी रखती हैं और निकल जाती हैं गांव में और गलियों में। गांव के गलियों में पूरा दिन भटकने के बाद घर घर जाकर ये सभी से सरसों के दाने को मांगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सरसों के दाने को देने के लिए तैयार नहीं था। लोग सरसों के दाने को देने के लिए भी तैयार थे और लोग उनको देते भी थे, लेकिन जैसे वो सरसों के दानों को ले ली थी तो उनसे वो पूछती थी कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु इससे पहले कभी हुई है या नहीं हुई है। तब लोग उनको बताते थे कि हमारे घरों में जीवित लोगों की संख्या कम है बल्कि मरे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, जिसने अपने सबसे प्रिय चीज़ को खोया ना हो, यानी अपने बिलव्ड को ना खोया हो, या अपने जैसे कोई माँ अपने बेटे को ना खोई हो, या कोई बेटा अपनी माँ को ना खोया हो, या कोई बेटा अपने बाप को ना खोया हो, या कोई बहन अपने भाई को ना खोई हो। यानी कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें किसी ना किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की डेथ ना हुई हो किसी परिवार में।
फिर जिस जिस घर में ये मांगने जाते हैं सरसों के दाने को, उस घर वाले कहते हैं कि सरसों के दाने को लेना हो तो ले लीजिए, अन्यथा हमारे बीते हुए समय को हमको याद मत दिलवाइए, जो हमसे पहले मर चुके हैं हमारे घरों में, उनके मर जाने की वजह से, आपकी वजह से उनकी याद हमें आने लगती है और हमें कष्ट होता है। फिर अचानक सरसों के दानों को ऐसे घर से, गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए जिस प्रकार के घर से उस सरसों के दानों को लेके आना था, उस प्रकार के घर को खोजते खोजते ये थक जाती हैं, थक हार कर आखिर में बैठ जाती हैं और शाम का वक्त हो जाता है। और शाम के वक्त बैठने पर उनको एक चीज़ दिखाई देने लगती है, यानी कि ईसा गौतमी को, कि एक लाइट है जो जल रही है और फिर बुझ जा रही है, फिर जल रही है, फिर बुझ जा रही है। और उस लाइट को ये बहुत ध्यान से देखने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि ईसा गौतमी को उस लाइट को देखने के साथ साथ उनको उस लाइट से कुछ सीखने को भी मिली। उनको ये सीखने को मिला कि जैसे मनुष्य का जीवन होता है, एक बार पैदा होने के बाद ये हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि कभी भी मनुष्य का जीवन रूपी जो दीपक है वो बुझ सकता है, कभी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। इंसान अमर नहीं होते हैं, कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता है, यानी इंसान के अंदर जितनी भी दुख होती है, जितने भी अंदर कष्ट होते हैं, या जितने भी लालच होती हैं, उन सभी को अगर इंसान त्याग दे तो कोई भी इंसान अमर नहीं है इस संसार में। लेकिन अमरता का एक मार्ग है, वो मार्ग क्या है कि अगर इंसान अपने लालच को त्याग दे, अपने दुख को त्याग दे और अपने सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थता को त्याग दे, तो इंसान खुश हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा मानो जैसे ईश्वर का आशीर्वाद उसको लग गया है, या उसको ईश्वर का आशीर्वाद लग गया हो, मिल गया हो, और उसको दुख नहीं होगा, उसको एक शांति, एक विचित्र शांति महसूस होगी। बिकॉज डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है वो सबके लिए एक समान है। एक बार पैदा हो जाने के बाद सबको एक बार मरना ही है, लेकिन जीवित रहने के दौरान मनुष्य को ऐसा अनुभूति होता है कि वो मनुष्य कभी मरेगा ही नहीं। लेकिन अचानक एक वक्त ऐसा आता है कि जो जीवन रूपी दीपक है अचानक वो बुझ जाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, गौतम बुद्ध उनको सिखाते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको जीवन मिल गया हो और वो मरे ना। ठीक उसी प्रकार जैसे एक फल होता है, जब वो अपने पेड़ पर पड़ा होता है तो फल को पकने के बाद हमेशा एक संभावना बनी रहती है कि वो फल पेड़ से कभी भी गिर सकता है, वैसे एक मनुष्य का जीवन भी होता है, पैदा होने के बाद कभी भी मनुष्य जीवन को छोड़कर जा सकता है, मर सकता है, इसकी भी संभावना हमेशा बनी रहती है और उसके सर पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। और एक एग्जाम्पल और भी उन्होंने बताया कि जैसे एक कुम्हार होता है अपने मटके को बनाता है, और मटका कभी भी ऐसा नहीं है कि फूटेगा ही नहीं, लेकिन मटका वो कभी भी फूट सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो मटका कब फूटेगा, कभी भी उसको अगर धक्का लगेगा, ठोकर लगेगा, तो वो मटका गिरेगा और फूट जाएगा। यानी गौतम बुद्ध ईसा गौतमी को दो तरह का एग्जाम्पल बताते हैं, एक तो फल का एग्जाम्पल बताते हैं और दूसरा मटके का एग्जाम्पल बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो पैदा होने के बाद उसका जीवन बढ़ता नहीं है बल्कि घटने लगता है। चाहे वो समझदार हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो पागल हो, सबको एक समान रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि उसको मर जाना है, और एक निश्चित रूप से या तो आग में जल जाना है या तो मिट्टी के नीचे दफन हो जाना है। चाहे वो कितना भी अमीर ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना गरीब ही क्यों ना हो, चाहे वो पागल हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो समझदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस संसार में अगर उसको जन्म मिला है तो वो मृत्यु भी पाएगा एक समान रूप से। इस तरीके की चीज़ों को गौतम बुद्ध ईसा गौतमी को समझाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर मृत्यु निश्चित रूप से आ गई है तो कोई पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, कोई बेटा अपने पिता को नहीं बचा सकता है, कोई रिश्तेदार अपने दोस्तों को नहीं बचा सकता है, या कोई दोस्त अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता है। मृत्यु एक निश्चित है, एक वास्तविक सत्य है, इस सत्य को कोई कभी टाल नहीं सकता है, ना इस सत्य को कभी टाला जा सकता है। अगर मृत्यु लिखा है आने के लिए तो मृत्यु आकर ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त या कोई भी करीबी इस चीज़ को रोक नहीं सकता है। इन सभी चीज़ों को समझाते हुए गौतम बुद्ध ईसा गौतमी को ये भी बताते हैं कि किस प्रकार एक बैल को कसाई अपने कसाई खाने में ले जाता है और लेके जाके उसको काट देता है और उस बैल की जीवन समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। इस एक बार पैदा होने के बाद उसी बैल की तरह हमारा भी जीवन रहता है कि कभी भी जिस प्रकार वो कसाई एक बैल को काट देता है, हमारा भी जीवन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। पैदा होने के बाद हमारा जीवन निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है और जीवन की दीवार की एक एक ईंट प्रत्येक मिनट और प्रत्येक सेकेंड के समय गिरने लगता है और घटने लगता है। जो व्यक्ति अपने दुखों और सुख को त्याग दे और त्यागने के बाद एक एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर ले, एक स्वीकारता उसके अंदर आ जाए, वो व्यक्ति खुश रहने लगेगा, उसके अंदर खुशी की अनुभूति होगी और उसको दुनिया के मोह माया और चिंता से मुक्ति मिलेगी। इसलिए हमें अपने दुखों को, अपने
शिकायत को, कंप्लेन को ईश्वर के प्रति, ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए और अपने कष्टों को एक तरह से छोड़ देना चाहिए। और हमको ये सोचना चाहिए कि एक दिन सबको मृत्यु के गोद में सो जाना है, सब एक दिन मर जाएंगे। अगर ये एक्सेप्टेंस किसी के अंदर आ जाती है तो वो खुश रहना शुरू हो जाएगा। और बाद में वो ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने सबसे प्रिय चीज़ को खो देता है तो उसको समझाना आसान होता है कि वो उनको भूल जाए, लेकिन एक्चुअली में उस आदमी के लिए आसान नहीं होता। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर किसी मृत शरीर के लिए या किसी भी खोए हुए चीज़ के लिए अगर हम रोएं तो हमारी भी शरीर सफ़र करती है, हमारा शरीर भी कष्ट होता है, रोने से भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। दुख, दर्द, शिकायत को यदि अपने शरीर से निकाल दिया जाए तो एक विचित्र प्रकार की एक शांति महसूस होगी और शांति का अनुभूति होगा, जिससे व्यक्ति एक अमरता के मार्ग पर आगे अग्रसर हो सकता है, अमरता के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है और उसको दुखों से, कष्टों से और किसी भी प्रकार के ईश्वर से शिकायत से किसी भी तरह का उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेथ और मृत्यु जो है सबको एक समान रूप से मिलती है, कॉमन है सबके लिए। जो ऐसा करेगा या जो उस शांति के मार्ग पर चलेगा उसको मृत्यु से कभी भय नहीं लगेगा, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से। गौतम बुद्ध उनको ये भी सिखाते हैं कि जिस प्रकार एक फल और जिस प्रकार एक घड़ा होता है वो फूट जाता है और फल भी अपने पेड़ से नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, एक दिन ये नीचे गिर जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। और एक शांतिप्रिय और खुशमय जीवन जीने का मात्र एक ही उपाय है कि सभी चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपने दुखों को और अपने कष्टों को और अपने सभी चीज़ों को एक साइड में रख दें और अपने शिकायत को और अपने सेल्फिशनेस को एक साइड में रखकर ये चीज़ हमको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हम लोग मर जाएंगे, हम सभी लोग मृत्यु को गोद में सो जाएंगे। और ये चीज़ जिसके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन के कष्टों से दूर हो जाता है और वो खुश रहने लगता है। बाकी बच्चों, एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका यही है खुश रहकर जीने का कि अपने समय को, अपने परिस्थितियों को स्वीकार किया जाए। यहीं पर हमारी इस चैप्टर का एंड होता है, ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाकी एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको टाइम टू टाइम डेली प्रोवाइड होते रहें और जो भी अपडेट भेजा जाए आपको तुरंत पहुँचते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।